उधर आए सो हे गाइस इट्स बीएस मोनू वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज हम लोग जाने वाले कहाँ जाने वाले भाई? आज बर्गर खाने जाने वाले, दरभंगा फेमस बर्गर। तो आज सौरभ भाई दरभंगा का फेमस बर्गर खिलाने वाला है और इनको आप शायद जानते होंगे, नहीं जानते तो इनका चैनल विजिट कीजिएगा, सौरभ नागवंशी नाम है इनका। हाँ, तो सपोर्ट करो। और ये एक रेस्टोरेंट खुला है हमारे दरभंगा में, न्यू देख सकते हैं आप लोग, ये नया रेस्टोरेंट खुला है, आप देख सकते हैं। बस चर्च के बगल है, ये चर्च के बगल में है लोकेशन। तो चलिए चलते हैं, और कुछ बोलना है? नहीं और कुछ नहीं, चलिए बर्गर की दुकान पर चलते हैं। चलते हैं बर्गर की दुकान पर, वहाँ का टेस्ट बताते हैं। भाई तो बोल रहा है कि वहाँ का सबसे फेमस बर्गर है दरभंगा का, क्या वाकई में सबसे फेमस है या नहीं, वो तो जाने के बाद पता चलेगा। हाँ, वो तो खाने के बाद नहीं होगा तो डबल पैसा देगा भाई। चल 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 तो गाइस फिलहाल मैं अभी आ गया हूँ जय सती माई बर्गर कॉर्नर। तो मुझे बताया गया कि दरभंगा का सबसे फेमस बर्गर यहाँ मिलता है, सही बात है भैया? आप लोग बता सकते हैं, हम कैसे बताएंगे, हम तो नहीं खाए, हम तो पहली बार खाएंगे आज, लेकिन यहाँ पे वो खाता है बराबर। पाँच साल से ज़्यादा है। ये एड्रेस कौन है, एड्रेस बताइए तो। शास्त्री चौक। कितना बजे से स्टॉल लगाते हैं आप? 2 बजे से 10 बजे तक। बर्गर का क्या क्या रेट है आपके पास? मीनू बनाया हुआ है। गाइस तो आप देख ले, प्लेन बर्गर 25, डबल टिक्की बर्गर 30, चौमिन बर्गर 30, पनीर बर्गर 30, वही है चीज़ बर्गर 35। तो भाई सौरभ क्या खाओगे सब बताओ। चीज़ पनीर बर्गर था ना आपके पास? हाँ, यहाँ भी अमीन लगा। हाँ तो चीज़ पनीर बर्गर बनाइए। और भैया शादी उदी हो गया क्या? शादी? हाँ अभी नहीं हुआ। चलिए शकल देख लीजिए, अगर कोई लड़की मिलेगी तो शादी हो जाना चाहिए भैया का। चलिए बनाइए। सुबह में भी आपका एक दुकान रहता है यहाँ? नंबर मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और इनका सुबह में भी एक दुकान रहता है यहाँ? सुबह में छोला भटूरा कराता है। छोला भटूरा हम खाए हैं इनके पास, सुबह में हम खाए हुए हैं एक बार। तो गाइज अपना बर्गर बन के अभी तैयार हो रहा है, आप देखिए क्या क्या डालिएगा भैया, बताइएगा। खीरा, प्याज, टमाटर। हाँ तो जैसे जैसे डालिएगा बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे वीडियो कर दीजिएगा। ठीक है, चौमिन बना के हेलो। तुम्हारा क्या नाम है छोटू, अपना भी नाम बता। गगन कुमार पांडा। तुम यहीं रहते हो? गगन भाई हैं, आइएगा जिससे मिल लीजिएगा। क्या बोल रहा है? हाई बोल दो, एक बार हाई बोल। हाई बोल सकता हूँ? हाँ, तो अभी उम्मीद नहीं है हमको दीदी के पास। देखो तो हमने यहाँ कल को आके मार के गया, कल हमारे पास आके मार के गया। देखना पड़ेगा जाके। तीनों पनीर डालना।
वो है प्लेन बर्गर, ये है प्लेन बर्गर, प्लेन बर्गर सर भाई। अच्छा, एक पनीर बर्गर सर भाई, एक पनीर की बना दिया, वो पनीर बना दिया पीछे 50 पनीर बर्गर पीछे भैया चौमिन भी बात करते कहाँ है और कौन है भैया? तो गाइस देखिए अपना बर्गर बन के तैयार हो चुका है, हाफ आप करवा दिए क्योंकि आगे भी जाना है। हेलो, ये रहा अपना बर्गर। A few moments later। तो मोनू भाई बताइए आपको कैसा लग रहा है, टेस्ट कैसा है? लाजवाब टेस्ट है, 10 में से 8 नंबर से दे ही सकते हैं। अच्छा टेस्ट है और मैं सबको कहूँगा कि आप अगर दरभंगा के हैं या दरभंगा के आस पास के हैं कि आपको दरभंगा आने का मौका मिलता है तो आप एक बार जरूर आए, एक बार ट्राई करें। दुकान का नाम मैंने आपको बता दिया है। तो अब सौरभ भाई से पूछते हैं, भाई इनको कैसा लग रहा है तो बताओ। ऐसा लग रहा है हमको तो बहुत गजब लग रहा है इसका टेस्ट। मैं तो पहले भी खाता था, मोनू भाई फर्स्ट टाइम खाया। कितना बार आके खा चुका है यहाँ? नहीं बहुत पहले आता था, अभी तो नहीं खा रहा हूँ, बहुत दिन से पहले आता था, लेकिन बहुत मस्त टेस्ट है। सो गाइस बर्गर खा के मज़ा आ गया और आई होप आपको भी मज़ा आया होगा ब्लॉग देख के। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में फिर से कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नया होगा, कुछ हटके होगा, फिर से स्ट्रीट फूड या कोई भी ब्लॉग हो, जो भी हो पता है आपको भाई हटके ब्लॉग बनाता है। तो तैयार रहिएगा नया ब्लॉग देखने के लिए 1 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक बात मैं बोलना भूल गया भाई, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी सजेशन देना हो, कुछ भी पूछना हो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, मैं आपका वहाँ रिप्लाई, इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा। बाय।